नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आई है कल्याणपुर थाने के नैसिवली रोड पर पारस पैलेस के सामने महिला होटल के पास अयासी का अड्डा बना कल्याणपुर का प्रांजुल हॉस्पिटल। प्रांजुल हॉस्पिटल का डायरेक्टर हिमांशु गौतम दारू के नशे में डूबा रहता है और अस्पताल में जाम से जाम लड़ाता है। अब ऐसे डॉक्टर को भगवान का दर्जा देने में शर्म आती है। शाम होते ही हॉस्पिटल का स्टाफ जाम में डूब जाता है। इसके पहले भी नशे में ऑपरेशन के दौरान कई लाशें बिछा चुका है प्रांजल हॉस्पिटल और तत्कालीन सीएमओ साहब के द्वारा हॉस्पिटल 21 सितंबर को सीज भी हो चुका था। अब देखना है कि आगंतुक नए पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर के और सीएमओ अनिल कुमार मिश्रा को इस मामले को संज्ञान में आने के बाद इस हॉस्पिटल पर क्या एक्शन लेते हैं या इसी प्रकार से धड़ल्ले से चलता रहेगा प्रांजल हॉस्पिटल। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।